नमस्कार साथियों, सी बी बिकल आई टी आई गुरु में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश आई टी आई की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के इस वीडियो में एडमिशन फीस के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और पूरी एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको बताने वाले हैं, किस प्रकार से आपकी काउंसलिंग होने वाली है। तो दोस्तों, 1 जुलाई से आज से स्टार्ट हो चुका है और 4 जुलाई तक फर्स्ट राउंड काउंसलिंग चलेगा। सबसे पहले आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दें तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट राउंड रिजल्ट डिक्लेयर, लास्ट डेट फॉर एडमिशन जुलाई 4 जुलाई 2024। 4 जुलाई तक जो है आपको एडमिशन कराना है अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है और एडमिशन आप नहीं कराते हैं तो अगली राउंड में आपका नाम नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसीलिए अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो एडमिशन करा लीजिए। मनपसंद ट्रेड कॉलेज नहीं मिलता है तो अपग्रेड भी उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर एडमिशन नहीं कराएंगे तो अगली राउंड में नाम कैंसिल हो जाएगा, नहीं आएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके जो विवरण पे चलते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं कि फीस क्या लगने वाली है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, मतलब क्या क्या लगेगा और उसके बाद जो है एडमिशन की आगे की प्रोसेस और क्या करना होगा। दोस्तों आप यहां खुद देख सकते हैं ऑफिशियल साइट से जो मैंने प्रोस्पेक्टस जो डाउनलोड किया है उसमें स्पष्ट रूप में लिखा है प्रशिक्षण शुल्क के बारे में। और यहां पे देखिए लिखा गया है, बताया गया है कि शासकीय आईटीआई में प्रशिक्षण शुल्क, यानी जो राजकीय आईटीआई जो गवर्नमेंट आईटीआई उसमें जो प्रशिक्षण शुल्क है उसकी राशि 5,340 रुपये दिया गया है और प्रतिवर्ष, मतलब अगर आपका 1 साल का ट्रेड है तो 1 साल के ट्रेड में आपको 5,340 रुपये ये पे करना होगा। अगर 2 साल का है तो प्लस आप इसमें इतना ऐड कर सक दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल का फीस है। आगे बताया गया कि समस्त आवेदकों को प्रवेश के समय प्रशिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य है, आपको ये जो शुल्क है ये जमा करना अनिवार्य बताया गया है। परीक्षार्थी प्रशिक्षण प्रारंभ होने के उपरांत संस्था छोड़ना चाहता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को प्रशिक्षण शुल्क, कॉस्ट मनी और परीक्षा फीस। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्रशिक्षण शुल्क की मैंने सिर्फ बताया है अभी आपको, कॉस्ट मनी बताया नहीं है और परीक्षा फीस नहीं बताया है जो आगे नीचे भी दिया गया है, तो वो भी देख लीजिए, ठीक है। यानी प्रशिक्षण शुल्क में आपको कॉस्ट मनी और परीक्षा शुल्क ये भी आपको ऐड करना है। कॉस्ट मनी जो है आपको रिफंड कर दिया जाता है, 250 रुपये आपको कॉस्ट मनी देना पड़ेगा, 500 रुपये परीक्षा शुल्क देना पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट मनी जो है ये आपका जब आईटीआई कंप्लीट होता है तो रिफंड हो जाता है 250 रुपये, लेकिन कोई लेता होता नहीं है, 250 रुपये भूल जाते हैं लोग, तो ये कॉस्ट मनी, लेकिन आपको जो है कॉस्ट मनी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो है, ये 2 फीस ये हो गया और 1 फीस ये हो गया, तीनों आप जोड़ दीजिए, टोटल आप जोड़ लीजिए कितना आपका होगा, उतना लेकर आपको जाना है। आगे दोस्तों बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण शुल्क संबंधी विभाग के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूर्ति हो सकेगी। यानी SC/ST के लिए यहाँ पे छूट थोड़ा सा दिया गया है, आप उसमें अपना कॉलेज से संपर्क करेंगे। समान निर्धन वर्ग के आवेदकों को प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति आईटीआई की अवधि पूर्ण होने पर आईटीआई द्वारा प्रशिक्षण शुल्क आवेदकों को वापस किया जाएगा। यानी समान के निर्धन वर्ग, यानी जो है EWS के कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए बताया गया कि प्रशिक्षण शुल्क जो है आपके आईटीआई अवधि जब पूरी हो जाएगी तो उनके जो है प्रशिक्षण जो शुल्क है वापस कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे जो है, जो नीचे मैंने आपको बताया कि जो परीक्षा शुल्क है और जो कॉशन मनी है वो आपका लगता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए जमानत जो है राशि, यहाँ पे देखिए 250 रुपये दिया गया है, लिखा है यहाँ पे 250 रुपये जो है आपका जमानत यानी कॉशन मनी के रूप में जमा करने होंगे। तो ये फीस, तो आपकी जमानत राशि यानी कॉशन मनी 250 रुपये ये हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में देख लीजिए, परीक्षा शुल्क यहाँ पर देखिए, परीक्षा शुल्क यहाँ पर देखिए 500 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है, तो 500 रुपये प्रतिवर्ष जो है 500 रुपये ये हो गया, 250 रुपये कॉशन मनी हो गया, यानी 750 रुपये आपको जो है ये। और फिर इसके बाद जो है, जो आपकी मेन फीस जो है आपकी यहाँ पे देख लीजिए 5,340 रुपये है। पूरा डिटेल में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 5,340 रुपये ये, 250 रुपये कॉशन मनी और 500 रुपये परीक्षा शुल्क, टोटल ऐड करेंगे तो 6,090 रुपया हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आप जो है 6,100 रुपया लेकर जाते हैं, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, एडमिशन आपकी पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। ये तो बात हुई गवर्नमेंट में कितना फीस लगता है, और वहीं बात करते हैं प्राइवेट में कितना फीस लगता है, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए।
यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए, लिखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के अंतर्गत संचालित शासकीय आईटीआई में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से जो प्रवेश आपको मिलेगा यहाँ पे बताया गया है। इसके लिए जो है देखिए, प्रशिक्षण शुल्क शासनादेश के द्वारा एक वर्ष के लिए 15,000 रुपये और दो वर्ष के लिए 20,000 रुपये लिया जाएगा। बताया गया है कि 2024 में पीपी मोड के अंतर्गत संचालित आईटीआई के ऐसे व्यवसाय जिनमें पूर्व वर्षों में सीटें रिक्त रही हैं में सीटीएस व्यवसाय के समान शुल्क लिया जाएगा। तो दोस्तों ये फीस आपको देना पड़ेगा अगर आप जो है प्राइवेट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कराते हैं तो 15,000 रुपये एक साल का, अगर दो साल का है तो वहाँ पे आपको 20,000 रुपये पे करना होगा। ये तो बात हो गई फीस की, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हो, प्रवेश के समय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां संलग्न कीजिए। यानी जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, जो आपने वहाँ फॉर्म भरा था उसके साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है ये आपको लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है मूल निवास प्रमाण पत्र यानी जो है MP का होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, अगर आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट तो सबके लिए ज़रूरत नहीं है। अगर वहीं बात करें EWS तो EWS सबके लिए ज़रूरत नहीं है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं EWS श्रेणी में आते हैं उनके लिए है। और TC जो है आपको ओरिजिनल TC जमा करना होगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस में ये है कि आपको पूरी जो फीस है वो पूरी फीस, और इसके बाद जो यहाँ पे जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट फीस लेकर जाएंगे आप उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आपका नाम आया है, और फिर अपनी एडमिशन जो है वो कम्प्लीट करा लेंगे वहाँ पर वेरीफिकेशन करा के। इस प्रकार से जो है आपको ट्रेड और कॉलेज मिल जाएगा, और अगर ट्रेड कॉलेज पसंद नहीं आता है तो अपग्रेड करने का ऑप्शन है, आप वहाँ पर बात करके अपना उसे अपग्रेड कर सकते हैं। लिस्ट में फिर आपका नाम आएगा तो आपका चेंज हो जाएगा, यही प्रक्रिया होती है एडमिशन की। तो दोस्तों ये है प्रक्रिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।